कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती। जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले क्योंकि तेरी कुर्सी तो गई। कंगना रावत ने आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई के बारे में ऐसा क्या कह दिया? क्या हुआ ऐसा कि संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट को कोर्ट में जाना पड़ा, और कब राहत मिली इन दोनों को कोर्ट के इन मसलों से? हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शिता अरोरा बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर गंगूबाई काठियावाड़ी वाले के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी शायद, तो उस सब को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट मोस्ट सक्सेसफुल यंग आर्टिस्ट ऑफ बॉलीवुड जानी जाती हैं। उन्होंने कई सारी अच्छी अच्छी फिल्म जैसे कि हाईवे या फिर आप टू स्टेट्स ही ले लीजिए जिसमें उनका डेब्यू हुआ था, इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्में देने के बाद अब वो बहुत ही अलग के किरदार में नजर आएंगी। वैसे तो हमने आलिया भट्ट को काफ़ी सारे नए नए किरदारों और बहुत ही अच्छे अच्छे किरदारों में कुछ ढलते हुए देखा है, साथ ही में हमने उनकी काफ़ी सारी पर्सनैलिटी एक्सप्लोर कर ली है, लेकिन इस बार पहली बार वो दिखने वाली है एक अंडर डॉन के रूप में जिसमें उनकी एक नई पर्सनैलिटी उभर कर आने वाली है। राजी गर्ल आलिया भट्ट अब बनने वाली है एक अंडर गर्ल डॉन। हाँ, एक तरफ हम देख सकते हैं जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तब से बस काफ़ी ज़्यादा हो गया है बॉलीवुड में, और आलिया भट्ट को उनके लुक के लिए और उनकी दमदार एक्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा तारीफें मिल रही हैं, तो वहीं कंगना रनौत इस फिल्म के बारे में हमें कई सारी बातें बोलते हुए नजर आ रही हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने लिखा कि बिकाऊ मीडिया को इस फिल्म के फेक प्रोपेगेंडा के बदले इस फिल्म की एक्टिंग और फिर कास्ट एंड क्रू पर ध्यान देना चाहिए था, उन्हें इसे रिलीज करने का कोई भी हक नहीं है जहाँ पे एक छोटे से बच्चे को गैंगस्टर के रूप में दिखाया पड़ा जा रहा है। उनका छोटे से बच्चे से क्या अर्थ हो सकता है? तो हम आपको साफ साफ बता दें कि उनका साफ साफ अर्थ है सोशल मीडिया में ये कहने से कि इसमें एक छोटे से बच्चे को गैंगस्टर दिखाया गया है, तो उनका कहना है कि आलिया भट्ट को दिखाया गया है क्योंकि आलिया भट्ट इस इंडस्ट्री में यंगेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक है जिनको इस फिल्म में एक गैंगस्टर के रूप में दिखाया जाने वाला है। उनका कहना है कि बिकाऊ मीडिया को इसके प्रोपेगेंडा या फिर इसके प्रमोशन पर नहीं बल्कि इसकी कास्ट एंड क्रू पर ज़्यादा ध्यान देके इस फिल्म को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो इस तरीके की कुछ बातें लिखी थी कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। गंगूबाई काठियावाड़ी गंगूबाई की असली बायोपिक होने वाली है जिसको माफिया क्वींस ऑफ मुंबई बुक से लिया गया है, तो इसी बात को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही थी और हाई कोर्ट का मसला भी इसी बात पर चल रहा था। हालांकि अब संजय लीला भंसाली और उनके पूरे प्रोडक्शन हाउस को और साथ ही साथ में आलिया भट्ट को काफ़ी ज़्यादा राहत है क्योंकि अब इस पर कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इस फिल्म के ऊपर जो भी जितने भी सारे आरोप लगाए गए हैं उसका जल्द से जल्द निश्चित किया जाए और साथ ही में अगले साल इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा। हालांकि उनके ऊपर केसेस काफ़ी लोगों ने लगाए थे, सिर्फ कंगना रनौत नहीं बल्कि गंगूबाई काठियावाड़ी के अडॉप्टेड पुत्र बाबूजी शाह ने लगाए थे। उन्होंने इस पे केस फाइल किया था जिसके कारण संजय लीला भंसाली और उनके पूरे प्रोडक्शन हाउस को समन किया गया था, यानी कि बुलाया गया था, और बाद ही में इसका पूरा फैसला जाहिर किया गया है जहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि कंगना रनौत के फैंस उनके इस स्टेटमेंट को हाइप कर रहे हैं, तो वहीं हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि आलिया भट्ट के फैंस कंगना रनौत के इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज़ करने में कुछ कम नहीं है। दोनों ही फैंस की वॉर्स तो चली रही है, साथ में आपके इस ट्रीजर की एक और बात बता दें कि आलिया भट्ट इसमें गाली इस्तेमाल करते हुए नजर आई थी जिसके कारण ही कंगना रनौत ने शायद इतनी सारी हेट स्टेटमेंट्स और काफ़ी सारी चीज़ें कही थी। अब ये उनके ऊपर क्या लेके आता है ये तो हम बाद में देखेंगे ही, साथ में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है गंगूबाई काठियावाड़ी कब तक कैसे रिलीज़ होने वाली है और ये कोर्ट का मसला क्या चलने वाला है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना।